चलिए अब आपको बताते हैं सिंध में निगरान सेटअप की तैयारियों के हवाले से। रवा हफ्ते सिंध असेंबली अपनी आईनी मुदत पूरी कर लेगी। उबूरी सेटअप के लिए निस्त दर्जन से ज्यादा नामों की गूंज सुनाई देने लगी। जीडीए और एमकेएम ने नामों पर इत्तेफाक कर लिया है। जराए के मुताबिक साबिक कमिश्नर शुएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी दोनों जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह, सिद्दीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम सामने आया है। निगरान सेटअप के लिए अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात नहीं हुई। सिंध की सूबाई असेंबली 11 अगस्त को तहलील होने का इम्कान है। जीडीए और एमकेएम ने नामों पर इत्तेफाक कर लिया है। जराए के मुताबिक साबिक कमिश्नर शुएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी दोनों जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह, सिद्दीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम सामने आया है। निगरान सेटअप के लिए अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात नहीं हुई। सिंध की सूबाई असेंबली 11 अगस्त को तहलील होने का इम्कान है।